हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी के लिए जल्दी बनने वाला पेड़ा। इसको बनाने के लिए आपको किसी चाशनी या मावे की आवश्यकता नहीं है। इसको बनाने के लिए केवल तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको एक कप लेना है मिल्क पाउडर, एक कप लेना है आपको कोकोनट पाउडर, एक कप मिल्क ले लेना है। उसके बाद कढ़ाई को गैस पर रखना है मीडियम फ्लेम पे, एक कप मिल्क ऐड कर देना है, एक कप उसमें कोकोनट पाउडर मिक्स कर देना है और उसको चलाते रहना है जब तक वो खोए जैसा नहीं हो जाता। अगर आपको लगे वो साइड से लग रहा है तो आपको तब तक चलाते रहना है जब तक वो टाइट नहीं हो जाएगा और साइड से छुटाते रहना है। 2 से 3 मिनट तक आपको कंटिन्यू चलाने के बाद में ये मावे जैसा हो जाएगा और कढ़ाई अपने आप ही छोड़ने लग जाएगा। इसको ठंडा करने के लिए आपको कढ़ाई से निकाल के इसे किसी बाउल में कर लेना है। जितना मैंने दूध लिया था उसके हिसाब से ये 2 बाउल में आया है। जैसे ये ठंडा होता है उसके बाद में आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर लेना है। शुगर डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे आपके पेड़े थोड़े टाइट बने। आप अपने पेड़े अपने शेप के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पेड़े थोड़े इस टाइप से बने हैं। पेड़े बनाने के बाद आपको उसको बुरादे में लपेट लेना है। डेकोरेशन के लिए कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये पेड़े बनकर तैयार हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तो आप कल जन्माष्टमी के लिए बना सकते हैं। थैंक यू गाइज़।